देखिए लास्ट क्लास में हमने देखे थे पांच कौन कौन से तरह के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, असर्टिव मतलब डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑपरेटिव सेंटेंसेस हमने जान लिए थे। उसी के बेसिस पे आप बताइए कि इस जो बहुत सारे सेंटेंसेस है इनमें से कौन कौन सा सिर्फ स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स किन्हें कहते हैं जो कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं पढ़े हमने, या फिर असर्टिव सेंटेंसेस जिसमें हम डिक्लेयर करते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई चीज बोल देते हैं बस किसी को, तो वो स्टेटमेंट तक कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिएगा, कौन से क्वेश्चंस इसमें है? मतलब कि वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हमने पढ़े थे तो क्वेश्चंस लिख दिएगा जो क्वेश्चन पूछे गए हो वहाँ पे अगर, तो और कोई कमांड दी गई हो या रिक्वेस्ट दी गई हो तो वो भी लिख दिया। अच्छा, कमांड और रिक्वेस्ट को हमने पहले ही पढ़ रखा है यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले, मतलब लास्ट क्लास में, कि कमांड या कोई रिक्वेस्ट जो उसे हम बोल देते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस है तो आप लिख दिएगा उसमें कि अगर वो कमांड जैसा तो कमांड लिख दिएगा, कोई रिक्वेस्ट जैसी चीज हो तो रिक्वेस्ट लिख दिएगा, और एक्सक्लेमेशन, ठीक है। लास्ट में हम देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी अगर कोई सेंटेंस है तो वहां पे एक्सक्लेमेशन लिख दिएगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। अच्छा, एक चीज भूल गए, ऑप्टेटिव सेंटेंस भूल गए, वो इन्होंने दिया ही नहीं यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। तो ये चारों तरह के सेंटेंस लिख रखे हैं, ये मतलब चारों तरह में एक डिफ्रेंसिएशन भी है थोड़ी सी, इंपेरेटिव में कमांड हो सकता है, रिक्वेस्ट वो भी लिख दिए। तो ये पांचों टाइप के जो है ना आप लिख दिए यहाँ पे कौन कौन सा, देख लेते हैं। पहला आपका आई लॉस्ट माई वाटर बॉटल यस्टरडे, मैं कल अपना वाटर बॉटल भूल गया, खो दिया मैंने अपना वाटर बॉटल कल, तो एक तरह की चीज स्टेटमेंट है, ये चीज बताई जा रही कोई एक तरह का डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, आप लिख दिएगा स्टेटमेंट, ठीक है। सेकंड है आपका शट द डोर, कोई चीज करने होगा जा रही है, कमांड है तो आप लिख दिए यहाँ पे कमांड। थर्ड है आपका व्हेन डिड द रिंग बेल रिंग टुडे, कि कब बजी थी घंटी आज, तो एक सवाल है ये, तो क्वेश्चन है तो आप लिख दिए यहाँ पे क्वेश्चन। फोर्थ है आपका वेयर डिड सानिया गो, कहाँ गई सानिया, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे। व्हाट अ लवली डे, कितना खूबसूरत दिन है, एक्सक्लेमेशन लिख दिया यहाँ पे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बताया जा रहा है। अब आप सोचेंगे व्हाट अ लवली डे बोला है तो व्हाट का मतलब तो क्या होता है, तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं होगा यहाँ पे, मतलब कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस नहीं है, मतलब कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो जवाब है नहीं। सवाल भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सवाल जिसमें हम कोई जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर डिड यू केम फ्रॉम, ये सारी चीजें है ना। पर कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, मतलब कि जिनके बेसिस पे हम कोई जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, जैसे कि वाटर लेवल, कितना सुहाना दिन है, तो आप पूछ थोड़ी रहे हैं किसे कि बताओ कितना सुहाना दिन है आज मेजर करके, तो ऐसा थोड़ी होता। अब आप पूछो कि मतलब कितना खूबसूरत फ्लावर है ये, तो आप पूछ थोड़ी रहो कि कितना फ्लावर है, जरा मेजर करके बताओ कि दूसरों फूलों के मुकाबले कितना खूबसूरत है, इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते हम। तो ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनको हम कह देते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन, जिसका जवाब हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते हैं। ये तो हमने सवाल ही पूछा होता है इस तरीके से कि बस ऐसे ही अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ यहाँ पे, तो एक्सक्लेमेशन लिख दिया यहाँ पे। सिक्स देखिए, वेयर हैज योर फ्रेंड गॉन, कहाँ गया तुम्हारा दोस्त, तो ये भी एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे। सेवन आपका, कैन आई मेक अ कॉल फ्रॉम दिस टेलीफोन, क्या मैं इस फोन से कॉल कर सकता हूँ, तो एक रिक्वेस्ट है ये, या फिर रिक्वेस्ट से भी ज्यादा जो है रिक्वेस्ट नहीं है, एक तरह का ना रिक्वेस्ट के साथ साथ एक क्वेश्चन भी है ना, तो क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन लिख दिया आप इसको, ठीक है, क्वेश्चन लिख दिया आप यहाँ पे, एक सवाल पूछा आ रहा है एक तरह से, इससे हो सकता है कि इसका मतलब कुछ और भी हो, क्या पता वो जो है फोन ये पूछ रहा हो, खराब तो नहीं है फोन, में से फोन कर सकता हूँ ना, तो इसलिए आप यहाँ पे क्वेश्चन ही लिख दिया कि सवाल है, रिक्वेस्ट नहीं है। एट देखिए, प्लीज पास मी द सॉल्ट, तो अब ये हो गई एक रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट लिख दी, इन्होंने बोला कि प्लीज मुझे जो है सॉल्ट दे दो। अब नाइन देखिए, नाइन में क्या है, दिस मैंगो लुक्स डिलिशियस, ये मैंगो देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, तो ये एक तरह का स्टेटमेंट है, मतलब कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस या कहें तो असर्टिव सेंटेंस, यहाँ पे लिख दिया स्टेटमेंट। टेन है आपका, डू नॉट मूव दैट चेयर, तो ये एक तरह की रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक तरह की कमांड है कि मूव मत करना चेयर को, तो ये कमांड लिख दिया आप यहाँ पे, ठीक है, इसे भी बोलते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। आगे देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, कैसे बदले जाए सेंटेंसेस को, sentences can be transformed from one type to another, ki sentences ko ek tarah se dusre tarike mein badla ja sakta hai, for example affirmative sentences can be made negative, for example ki affirmative matlab ha ha wale cheezon ko jo hai ha ha wale jitne bhi statements hain unhe hum na na wale statements se badal sakte hain ki no no jisme lagao, I like to sing and dance, mujhe pasand hai gana aur dance karna, I don't like to sing and dance, mujhe nahi pasand hai gana aur dance karna, dekha badal diya na laga diya isme, It was a horrible scene. ये बहुत ही खौफनाक मंजर था. It was not a horrible scene. ऐसा नहीं था. Flowers bloom in my garden. मेरे गार्डन में फूल हैं जो खिलते हैं.
फ्लावर्स डू नॉट ब्लूम इन माय गार्डन, मेरे गार्डन में फूल नहीं खिलते. दे डिड देयर बेस्ट, उन्होंने अपना बेस्ट किया. दे डिड नॉट डू देयर बेस्ट, उन्होंने अपना बेस्ट नहीं किया. शट द डोर, डोर बंद कर दो. डू नॉट शट द डोर, डोर बंद मत करो. ऑब्जर्व केयरफुली हाउ कैन वी मेक चेंजेस इन द गिवन सेंटेंसेस. ध्यान से देखिए किस तरह से हम बदल सकते हैं सेंटेंसेस को. फॉर एग्जाम्पल, यू आर प्लेइंग चेस, तुम चेस खेल रहे हो. असर्टिव मतलब ये एक चीज हाँ हाँ वाले हैं. यू आर प्लेइंग चेस है ना, मतलब कि एक असर्टिव है, मतलब सिंपल है, मतलब हाँ हाँ वाले ये एक सेंटेंस बना कि जिसमें मना नहीं करी जा रही कोई चीज, ना कोई चीज पूछी जा रही है ना, बस हाँ है, ठीक है. अब देखिए, आर यू प्लेइंग चेस, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें हमने जो है सवाल पूछा, क्या तुम चेस खेल रहे हो. अब तीसरा देखिए, वाओ यू आर प्लेइंग चेस, वाओ लगा दी तो एक्सक्लेमेटरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज अ वाओ.